नमस्ते बच्चों, पाठ पार नजर के पहले वीडियो में आपने पढ़ा कि छोटू का परिवार मंगल ग्रह की धरती के नीचे विशेष यंत्रों की सहायता से रहता है। विशेष यंत्रों की देखभाल करने के लिए धरती के ऊपर जाना पड़ता है और इसी कार्य को छोटू के पापा करते हैं। इसके लिए उन्हें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है और वे खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर धरती के ऊपर जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है, वे लोग जी नहीं सकते। आप पढ़ते हैं आगे। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। जैसे अपनी धरती पर हम रहते हैं, वैसे ही पाठ में वर्णित कहानी कहती है कि कभी मंगल ग्रह पर भी ऐसा ही जीवन था, हमारी ही तरह लोग वहाँ धरती के ऊपर रहते थे। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। यहाँ कठिन शब्द एक ही मुझे प्रतीत होता है, वह है अक्षम। अक्षम का अर्थ होता है असमर्थ। यहाँ अभी तक बताया कि मंगल ग्रह पर से जीवन कैसे समाप्त हो गया। सूरज में हुए परिवर्तन के कारण जीवन समाप्त हो गया, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा और मौसम में परिवर्तन होने लगा। यहाँ के जीव जंतु इस परिवर्तन का सामना नहीं कर पाए और एक के बाद एक सभी समाप्त हो गए, लेकिन छोटू के पूर्वजों ने इसका सामना किया। आप पढ़ते हैं आगे। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। यहाँ एक कठिन शब्द है सतर्कता, जिसका अर्थ है सावधानी। तो धरती के नीचे छोटू का परिवार और अन्य साथी किस प्रकार अपना जीवन संभव कर पा रहे हैं? वे लोग अपने तकनीकी ज्ञान के कारण अपना जीवन संभव कर पा रहे हैं। सूर्य से मिलने वाली रोशनी और उष्णता, जिसकी जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है, इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, तो इनका प्रयोग वे धरती के नीचे विशेष यंत्रों की सहायता से करते हैं। यंत्र अर्थात मशीनें, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो मशीनों की सहायता से करते हैं और उसी की देखभाल के लिए छोटू के पापा धरती के ऊपर जाते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। यहाँ एक कठिन शब्द है मंशा, जिसका अर्थ है इच्छा। तो छोटू की माँ ने छोटू को क्या समझाया कि तुम तभी अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हो जबकि तुम अपने माता पिता का कहना मानो और खूब पढ़ो। तो यही शिक्षा बच्चों आपके लिए भी है, आप खूब पढ़े, माता पिता का और शिक्षकों का भी कहना माने, सभी का कहना माने, बड़ों का, तो अवश्य ही आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर
घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह पर अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। यहाँ पर तीन शब्द है, शिफ्ट जिसे हिंदी में कहते हैं पारी, दूसरा अडिग, अडिग का अर्थ है स्थिर। जब पापा अगले दिन अपने ऑफिस में गए, वहाँ कंट्रोल रूम में, पापा ने क्या देखा कि टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा है और जो स्टाफ अपनी शिफ्ट खत्म करके अपनी पारी समाप्त करके जा रहा था, उनमें से किसी एक ने बताया कि ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, अडिग नहीं है, इसलिए इससे पता चलता है कि ये कोई तारा नहीं है बल्कि यह कुछ और ही है, क्योंकि यह अपनी जगह पर टिका हुआ नहीं है। आगे पढ़ते, अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा को पहली शिफ्ट समाप्त करने वाले एक व्यक्ति ने आगाह किया, सावधान किया। छोटू के पापा सोच में डूब गए, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा, कहाँ से आ रहा होगा, सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्षयान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्षयानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। तो शिफ्ट समाप्त करने वाले स्टाफ को क्या संदेह था कि यह कोई अंतरिक्ष यान है, और यही संदेह छोटू के पापा को भी था। अंतरिक्ष यान के विषय में सोचकर छोटू के पापा और दूसरे स्टाफ के मन में क्या क्या प्रश्न उठे, उनके मन में प्रश्न उठे कि क्या सौर मंडल में हमारी धरती जैसा कोई और भी ग्रह है, क्या वहाँ पर जीवन भी संभव है, जीव सृष्टि का अस्तित्व भी है, क्या वह इतनी उन्नति कर चुका है कि अंतरिक्ष यान बना सके। तो बच्चों, आप अनुमान लगा सकते हैं आसानी से कि यह सब निश्चित ही हमारी धरती के विषय में ही यह बातें हो रही होंगी। आगे पढ़ते हैं, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि दो अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर एक, आपका क्या ख्याल है? अंतरिक्ष यान के विषय में इन लोगों को जब संदेह था तो इन्होंने क्या इसका हल निकाला? इन्होंने कॉलोनी की प्रबंध समिति की बैठक बुलाई और अध्यक्ष ने इसके विषय में लोगों को बताया। यहाँ कठिन शब्द हैं अवलोकन और गिर्द। अवलोकन का अर्थ है देखना, गिर्द अर्थात आसपास। अध्यक्ष ने क्या बताया? अध्यक्ष ने बताया कि दो अंतरिक्ष यान हमारे ग्रह पर भेजे गए हैं, जो नजदीक के ही ग्रह द्वारा भेजे गए हैं, और इनमें से एक हमारी ही धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा है और हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। तो और इसके लिए हमें कोई सुनिश्चित योजना बनानी चाहिए। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।
आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा।